हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टैक्सिंग टूल चल रहे हैं। इस टैक्सिंग टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सिंग स्केल के बारे में। टैक्सिंग स्केल किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है, क्या इसका शॉर्टकट कमांड है, यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर किस तरह से यूज किया जा सकता है, इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, टैक्सिंग स्केल जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, जो भी आपके पास टैक्स है उसकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्केलिंग को चेंज कर रहे हैं। स्केलिंग को चेंज करने का मतलब जरा बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, आपके पास कोई टैक्स लिखा हुआ है, उसकी यहाँ पर आपके साइज को बड़ा करना है, यस, उसकी हाइट को लेंथ को बड़ा करना है यहाँ पर, या फिर उसको यहाँ पर पर्टिकुलरली एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर टैक्सिंग को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर टैक्सिंग स्केल का यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था स्केलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में, देखा था स्केलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, आप उस ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे थे, स्केलिंग कर रहे थे। स्केलिंग करने का मतलब क्या है, उसकी साइज को चेंज कर रहे थे आप यहाँ पर, यस, बिना ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छेड़े हुए, यस, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज नहीं करे हुए, आप उसकी साइज को चेंज कर रहे थे, तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, स्केलिंग कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम टैक्सिंग के अंदर बिना टैक्सिंग को चेंज करे यहाँ पर इसकी टैक्सिंग की साइज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर कि आपके यहाँ पर क्या हो रही है, टैक्सिंग की स्केलिंग हो रही है यहाँ पर। आप स्केलिंग चाहे यहाँ पर आप हाइट के थ्रू कर दीजिए या स्केलिंग फैक्टर के थ्रू कीजिए, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगी, स्केलिंग चेंज हो जाएगी। अब जरा बात कर रहे हैं इसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट टैक्स, यहाँ पर देखिए स्केल टैक्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, इसका जो शॉर्टकट कमांड है स्केल टैक्स है यहाँ पर इसका शॉर्टकट कमांड, और स्केल टैक्स एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेसिफाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, आप ऑब्जेक्ट को एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बेस पॉइंट ऑप्शन पूछा जाएगा यहाँ पर स्केलिंग के लिए। फिर यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो स्केलिंग की राइटिंग है आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास स्केलिंग की राइटिंग के जो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर होता है, सेंटर होता है, मिडल होता है, लेफ्ट राइट होता है, टॉप लेफ्ट होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पूछा जा रहा है न्यू मॉडल के बारे में कि आपके पास न्यू मॉडल के अंदर आप किस तरह से यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेपर हाइट चेंज करना चाहते हैं, मैच ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, स्केलिंग फैक्टर के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर समझेंगे कि ऑटोकैड के अंदर ये स्केलिंग टैक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है, एक तो हमारे पास इसका शॉर्टकट कमांड भी है, दूसरा यहाँ पर हमें कहाँ देखने को मिलता है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब बात करते हैं स्केलिंग टैक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो स्केलिंग टैक्स आपको मिलता है एनोटेटिव के अंदर। एनोटेटिव के अंदर जाते ही आपके पास क्या दिखेगा, यहाँ पर एक टैक्स विंडो दिखेगा। इस टैक्स विंडो के अंदर जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्केल टैक्स, यस, स्केल टैक्स के थ्रू भी यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हैं और अपनी जो टैक्सिंग है उसको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपल से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टैक्सिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल लाइन टैक्सिंग को चूज किया, यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए स्केलिंग जो हाइट है यहाँ पर, देखिए कमांड विंडो के अंदर देखेंगे यहाँ पर इसकी जो हाइट के बारे में बात करना चाहूंगा, तो इसकी जो हाइट है अभी हमारे पास वो यहाँ पर क्या चल रही है, अभी 0.5 चल रही है, ओके। अब जरा बात करना चाहूंगा यहाँ पर स्केलिंग टैक्स की, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0.5 को लिया, एंगल अपना वही रखते हैं यहाँ पर, जीरो कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑटोकैड, AUTO, और यहाँ पर कर दिया ऑटोकैड, ओके, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या यहाँ पर टैक्स लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसकी हाइट को बढ़ाना, इसकी हाइट को बढ़ाना, जैसे मतलब यहाँ पर 0.5 है, अब मैं इसकी प्रॉपरली इसकी हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो स्केलिंग टैक्स का यहाँ पर यूज कर जा सकता है। देखिए स्केलिंग टैक्स का हमारे पास शॉर्टकट कमांड भी है SCALE, यहाँ से जैसे SCALE करेंगे तो यहाँ पर स्केलिंग टैक्स आपको मिल जाएगा। स्केलिंग टैक्स एंटर करते ही यहाँ पर आपके पास देखिए कमांड विंडो के अंदर पूछा जाएगा सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट, आप किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस प्रॉपरली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हमारे पास जो आप यहाँ पर चूज करना चाहते हैं इस टैक्सिंग के अंदर वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टैक्सिंग के अंदर ये एग्जिस्टिंग टैक्सिंग ही रखना चाहते हैं, तो इसको भी एंटर कर, एंटर करने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई न्यू मॉडल हाइट। न्यू मॉडल हाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर मॉडल की न्यू हाइट क्या देना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास कौन सी चल रही थी, 0.5 चल रही थी, अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, इसको 1 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा 1 एंटर करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे, तो आपकी जो स्केलिंग की हाइट है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर इसकी जो हाइट है एक्चुअल में कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, यस, यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर स्केलिंग की हाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल शेयर कर लेता हूँ, हमारे पास जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको वापस जाते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो अलग अलग प्रॉपर ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊंगा, सबसे पहले स्केलिंग को चूज करूंगा, स्केलिंग को चूज करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को चूज करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, एडजस्टिंग ही रखने वाला हूँ यहाँ पर। बात करते हैं पेपर हाइट की। देखिए पेपर हाइट का जो ऑप्शन है यहाँ पर एनोटेटिव, जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं एनोटेटिव यहाँ पर टैक्सिंग करते हैं तब यहाँ पर आपका यूज होता है प्रॉपर ऑब्जेक्ट का, यस। अब बात करते हैं यहाँ पर मैच ऑब्जेक्ट्स का। देखिए मैच ऑब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब आप टैक्सिंग को एडिटिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं। देखिए किस तरह से एडिटिंग एल्सिंग करते हैं यहाँ पर, तो बात करें यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन टैक्सिंग को चूज करूंगा यहाँ पर देखिए इसका सेंटर पॉइंट दे देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरी हाइट है वो यहाँ पर क्या चल रही है, 0.5 चल रही है। अब एक काम करते हैं इसकी हाइट को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट को कर देते हैं 2 करने के बाद यहाँ पर एंगल को मैंने चेंज नहीं करा और यहाँ पर टैक्सिंग लिख देता हूँ AUTO ऑटो कैट, ओके।
तो अभी हमारे पास क्या चली है, ये जो हमारे पास चली है बड़ी वाली जो टैक्सिंग है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और छोटी वाली टैक्सिंग हमारे लिए नॉर्मल टैक्सिंग चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बड़ी वाली टैक्सिंग है वो छोटी वाली टैक्सिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर यदि मुझे चेंजेस करना है तो यहाँ पे मैं यहाँ तो डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे पूरी टैक्सिंग को यहाँ पे चेंज करूंगा, नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इसकी स्केलिंग को चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से कर सकते हैं इसको देखिए यहाँ पर, तो स्केल को चूज करेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मेरे को एग्जिस्टिंग टैक्सिंग ही रखनी है तो एग्जिस्टिंग को चूज किया यहाँ पर। अब बात करते हैं मैच ऑब्जेक्ट, तो मैच ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछा जा रहा है सिलेक्ट टू द ऑब्जेक्ट विद द डिजायर हाइट, आप कौन सी ऑब्जेक्ट की हाइट को डिजायर चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं उसको चूज कर लीजिए। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को चूज किया, तो देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था जो बड़े लाइन के अंदर दिख रहा था वो अब क्या हो चुका है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रॉपरली आपके पास स्मॉल हो चुका है। आपके पास जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ आपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट लिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है। आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका तीसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें, तो देखिए तीसरे ऑप्शन के बारे में जाकर हैं, तो यहाँ पर स्केलिंग हाइट किया, इसकी हाइट को बढ़ाना मुझे यहाँ पर कैसे, मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, एडजस्टिंग ही रखा यहाँ पर। अब बात करते हैं स्केलिंग फैक्टर की, देखिए स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या था, देखिए आपने देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आपने इसकी हाइट को बढ़ाया था आपने 0.5 से 0.2 से, स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप इसे कितने मल्टीपल टाइम इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मेरी जो हाइट चल रही है वो यहाँ पर चल रही है 0.5 की, आप चाहते हैं इसको 2 times मल्टीपल के साथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर 4 times मल्टीपल के बढ़ाना चाहते हैं, तो 4 times मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 के अकॉर्डिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको करना चाहूंगा 4 times मल्टीपल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 4 एंटर करूंगा, प्रेस करूंगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, 4 times मल्टीपल हो चुका है। देखिए यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसकी हाइट के बारे में, तो ये आपकी जो हाइट है इसकी वो अब आपकी कितनी हो गई, यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट हो चुकी है वो आपकी क्या हो गई, 4 times मल्टीपल हो चुकी है जो कि आपकी ओरिजिनल हाइट थी। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्केलिंग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो चुका है कि यहाँ पर एनोटेटिव में जाके आप यहाँ पर टैक्सिंग को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको स्केलिंग ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई के अंदर जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर टैक्सिंग में जाएंगे, टैक्सिंग के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास स्केलिंग दिख रहा होगा। आई होप सो यहाँ पर आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि आप किस तरीके से यहाँ पर टैक्सिंग की यहाँ पर हाइट को चेंजेस कर सकते हैं बिना उस ऑब्जेक्ट को चेंज करें, बिना ऑब्जेक्ट को चेंज करें मतलब यहाँ पर आप टैक्स को यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहते बट यहाँ पर आप इसकी टैक्सिंग की स्केलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पर उसकी टैक्सिंग को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर स्केलिंग किस तरह से की जा सकती है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।